हाँ जी दोस्तों, इस वीडियो में दसन लग्या कि असी स्टैंडी का डिज़ाइन किवें बनाउणा। तो स्टैंडी चीज़ की होंदी आ तुहानू पहला दिखा दिना मैं, ठीक है जी। स्टैंडी होंदी आ STANDEE, जिहड़ी अपने को इंस्टीट्यूट की एडवरटाइजमेंट वास्ते जां किसी भी बिजनेस की एक बैनर होंदा है, ठीक है जी। इस तरीके खड़ा होंदा देखो स्टैंडी, तां इहदा डिज़ाइन बिल्कुल सीधा ही बनाउणा होंदा सी, ठीक है जी। आ जिहड़ा डिज़ाइन बनिया होया स्टैंडी का डिज़ाइन ही आ, ये डिज़ाइन अगे जाऊगा प्रिंट होगा तो स्टैंडी उत्ते फिट होगा ये, ठीक है जी। तो यदा साइज़ देखो 2.5 इंच की विड़थ तो 6 फिट सॉरी इंच से लैना आ, लेकिन यह फिट वा याद रखियो। तो यदा साइज़ किवें लैना सी फोटोशॉप मैं दस रहा, देखो जी असी फाइल न्यू, ठीक है, इंचिस विच गए सी 2.5 ते हाइट असी 6 इंच, इतने रेजोल्यूशन असी 500 लेना। देखो जी यदा मतलब 2.5 फुट विड्थ आ, 6 फुट हाइट आ, ठीक है जी। जिहड़े भी फ्लैक्स प्रिंटिंग करते हैं वह साइज इदा ही लेंदे आ, ता ही मैं इदा ले आ, ठीक है जी। उदा 2.5 इंच का मतलब 2.5 फुट ही मनो, क्योंकि आप रेजोल्यूशन 500 ले लिया ना, तो करके इदा ये उस साइज़ में प्रिंट आराम निकल सकता वा, तो वह फ्लैक्स प्रिंटिंग वाले यही साइज़ लेंदे आ। ये असी आ ले लिया साइज, ये हम असी सारा कुछ फिट करना वा, जो भी रिटर्न मटीरियल हैगा वा, ठीक है। स्टैंडी के सेम इदा का बनाने की कोशिश करो, तो असी ये सारा कुछ फिट करना। मैं थोड़ा जा यूज करके दिखा देना तुहानू, जे तुसी विजिटिंग कार्ड पिछले बना चुके हैं तो तुहाडे लई यही बनाना कोई औखी गल नहीं हैगी, ठीक है जी। तो ये बड़े आराम नाल तुसी बना सकते हो। तो मैं तुहानू थोड़ा जा दस दिना पहला, फॉर एग्जाम्पल असी एक शेप लई इहदे विच जैलो कलर किया, ठीक है जी, इस तरीके नाल मिलता जुलता जैलो कलर कर दिंदे आ असी, ठीक है जी। उस तो बाद असी जेकर सेम कलर भी करने हो ना, तो जी एग्जाम्पल मैं तुम दिती हुई है, इनू असी प्रिंट स्क्रीन कर ली फोटोशॉप के विच ही, फाइल न्यू ओके कंट्रोल वी पेस्ट, ठीक है जी। सेम आही कलर भी असी ले सकते हैं। हुण जिहड़ा आह मेरे को डिज़ाइन आ, ठीक है जी, ये असी इतने डबल क्लिक किया कलर पर, तो इतने क्लिक करके असी आ देखो सेम कलर मैं ले लिया, ठीक है जी। उदू बाद असी डुप्लीकेट लेयर लैके नीचे ब्लैक कलर लै सकते हैं असी, डबल क्लिक ब्लैक कंट्रोल टी करके असी नीचे नू आ गए, ठीक है जी, एंटर दबता, ठीक है जी। पहला असी उपरला इंडियास बेस्ट पेरेंटिंग प्रोग्राम लिखांगे, ठीक है जी, इंडियास बेस्ट पेरेंटिंग प्रोग्राम। तो जेकर असी सारा कैपिटल एक बार च करना हो, असी टैक्सट टूल सिलेक्ट करके इतने टैक्सट नू, ठीक है जी, तो इतने क्लिक करके टैक्सट टूल आ गए, इतने क्लिक करा सारा कैपिटल हो जूगा, ठीक है जी। ये आस पास वाले भी सारे टूल यूज करके देखिए तुम, ठीक है जी। हुण इहदा कलर जिहड़ा हैगा, वैसे तो मैं जो स्टैंडी से दिखाया हुआ फोन्ट यह है वा मोंटसीरत, तो वैसे उस वर्ल्ड ही मैं यूज़ कर रहा इतने मोंटसीरत, मेरे को इंस्टॉल आ देखो जी, आह फोन इतने यूज़ किया हुआ वा, सी इंडिया बेस्ट नूं बोल्ड किया हुआ वा, ठीक है जी, दूसरा बोल्ड नहीं किया हुआ, इनू असी बोल्ड कर दें। इहदा जिहड़ा कलर हैगा साडे को ब्लू कलर लिया हुआ सी, ठीक है जी, इतने क्लिक करके असी ब्लू कलर पर क्लिक किया, ब्लू कलर आ गया, तो कंट्रोल टी करके शिफ्ट दब के असी इतने फिट करता। कई बार दोवे चीज़ों की अलग अलग लेयर भी लेनी पै सकती है सानू, फॉर एग्जाम्पल मैं कंट्रोल जे करके दो लेयर कर लिया, उपरली लेयर में मैं प्रिंटिंग प्रोग्राम उड़ा दिना, ठीक है जी, इंडिया से बेस्ट रह गया। नीचे वाले में असी कला पेरेंटिंग प्रोग्राम रहता रहता, तो दो अलग अलग लेयर मैनेज करना इदा आसान हो जाता, सैटिंग्स करनी आसान हो जाए ने, तो दो अलग अलग लेयरस ही लै लिया, ठीक है। जिहड़ी लेयर के उपर खड़े होवांगे उत्ते काम होगा सानू पता ही आ, जिवें इंडियाज बेस्ट नूं मैं वड्डा करना चाहवां, इंडियाज बेस्ट आई लेयर ते गया कंट्रोल डी करके शिफ्ट दबा के इहनूं वड्डा कर सकते हैं असी। हुण तो जिन्ना असी अलग अलग लेयरस विच काम करांगे ना, एक उन्ना ज़्यादा सानू वड्डा छोटा करना आसान होगा। तो जिन्ना भी कॉन्टेंट हैगा जी सारा हुण असी सैट करना आ,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਆ ਪਿਕਚਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਰਾਊਂਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਮੈਂ ਰਾਊਂਡ ਲਿਆ, ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੇਪ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ 'ਚ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਲਰ ਯੈਲੋ ਭਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਜੇ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਲੈ ਲਈ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ, ਇਹ 'ਚ ਕਲਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪਿਕਚਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਕਚਰ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਆਹ ਲੈ ਆਇਆ ਪਿਕਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਕਚਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਲੇਅਰ ਆ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਜੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਈ, ਕੰਟਰੋਲ ਟੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਕਚਰ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਐਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਐਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚਾਈਲਡ ਵਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਦਾ, ਇਸ ਲੇਅਰ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਵਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਪਿਕਚਰ ਅਸੀਂ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਜੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਨਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੰਟਰੋਲ ਜੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕਲਿਪਿੰਗ ਮਾਸਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ 'ਚ, ਲੇਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਕਲਿਪਿੰਗ ਮਾਸਕ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਦੋਵੇਂ ਸਟੈਂਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਦੀ ਹੋਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ, ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।